पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्या डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो हम मॉड्यूलर फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से वार्डरोब किचन वगैरह के अंदर। आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द मशीनिंग पार्ट रॉ मटेरियल के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रीलिम पार्टिकल बोर्ड या प्रीलिम MDF या प्रीलिम HDHMR की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर से एक प्रोसेस कम हो जाता है, वो कम हो जाता है लेमिनेशन का, जिसको हम पोस्ट लेमिनेशन बोलते हैं, जिसको हम लेमिनेट बोलते हैं, जिस लेमिनेट को प्रेस किया जाता है दोनों तरफ किसी भी मटेरियल के ऊपर, चाहे वो MDF हो, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो HDHMR हो। लेकिन अगर हम प्रीलिम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे प्रेसिंग का प्रोसेस उसके अंदर कम हो जाता है। और जैसे ही किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई एक प्रोसेस कट शॉर्ट होता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है। जहाँ पोस्ट लैम आ जाता है तो वहाँ एक प्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रेसिंग मैनुअल हो सकती है, वो प्रेसिंग कोल्ड प्रेस भी हो सकती है, वो प्रेसिंग हॉट प्रेस हो सकती है। जब हम हॉट प्रेस की बात करते हैं तो यानी फिर दोबारा से हम कोल्ड प्रेसिंग और हॉट प्रेसिंग के टाइम को, प्रेसिंग टाइम को, लेमिनेशन टाइम को कम कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। हालांकि मशीन की कॉस्ट बढ़ती है लेकिन उसमें हम कट शॉर्ट करने की वजह से एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी कॉस्टिंग को कम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल आया, उसको चाहे तो वो प्रीलिम है या उसको पोस्ट लैम है, पोस्ट लैम है तो हम उसको प्रेसिंग करेंगे। जब पैनल तैयार हो गया हमारा, चाहे वो प्री लैम है या पोस्ट लैम है, उसके बाद हम डिफरेंट साइजेस के अंदर जो भी कंपोनेंट बनने हैं हमारे, बैक बननी है, साइड बननी है, टॉप बननी है, बॉटम बननी है, शेल्फ बननी है, उसके हिसाब से उसको काटते हैं। हम लोग पैनल शॉप पे ले जाते हैं उसको, पैनल शॉप पे हमारी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद हम उसको फिर एज बेंडिंग करते हैं, यानी कि जो भी उसकी नंगे किनारे बचे हमको उसको सील करने के लिए PVC एग बैंड से उसको मशीन के ऊपर एग बैंडिंग करते हैं। एग बैंडिंग अगेन, दिस कैन बी अ वेरी सिंपल मशीन, कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन ऑल्सो। व्हेन आई से सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन मीन्स द एग बैंडिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द PVC एज ऑन द प्रोडक्ट और कंपोनेंट। उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स मशीन की बात करते हैं या हाई एंड मशीन की बात करते हैं तो उसके अंदर मटेरियल को डाला, PVC एज बैंड को डाला, उसमें प्रेसिंग भी हुई, कटिंग भी हुई, ट्रिमिंग भी हुई, कॉर्नर राउंडिंग भी हुई, बफिंग भी हुई, प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है। तो दूसरा प्रोसेस हुआ हमारा प्रेसिंग के बाद पैनल शॉप पे जाना, कंपोनेंट को साइज में काटना, उसके बाद उसकी एज बैंडिंग करना। एज बैंडिंग के बाद अगर हम हार्डवेयर से उनको असेंबल करते हैं तो हम लोग हार्डवेयर फिक्स करने के लिए डिफरेंट साइजेस के ड्रिल्स करने होते हैं जिसके अंदर उन हार्डवेयर को फिक्स किया जा सके। इसको हम कहते हैं मल्टी बोरिंग। कैन बी सिंगल हेड, कैन बी डबल हेड, कैन बी ट्रिपल हेड, कैन बी फोर हेड, कैन बी फाइव हेड। जब हम हेड्स की बात करते हैं यानी कि उसके अंदर सिंगल ड्रिल हो रहा है, डबल ड्रिल हो रहा है, थ्री टाइम्स ड्रिल हो रहा है, फोर टाइम्स ड्रिल हो रहा है, नंबर ऑफ ड्रिल्स विच कैन बी ऑपरेटेड इन सिंगल गो एड्स टू द नंबर ऑफ हेड्स। हमने ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग करने के बाद हम पीछे बैक प्लाई डालते हैं, उसके अंदर राउटिंग करना पड़ता है तो राउटिंग मशीन पर चला गया। दिस कैन बी मैनुअल राउटिंग और इट कैन बी CNC राउटिंग। उसके बाद हमारा शटर आया, शटर को एज बैंड करने के बाद उसके अंदर हिंज बोरिंग की जाती है। हिंज बोरिंग कैन बी मैनुअल थ्रू ए रूटर और कैन बी ऑन हिंज बोरिंग मशीन। तो हमारी मशीनिंग कंप्लीट हो गई। जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है तो पैकिंग हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ताकि यहाँ जहाँ भी हम मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ पे जो असेंबलर होते हैं उनको कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो, तो उसके लिए एक पैकिंग लिस्ट बनाई जाती है और पैकिंग लिस्ट बनाने के हिसाब से उनको पैक किया जाता है ताकि हर कंपोनेंट जो ड्राइंग के हिसाब से बना है, जो कटिंग लिस्ट के हिसाब से बना है, वो पैक हो जाए ठीक से, चाहे उसके अंदर डावल्स हैं, चाहे उसके अंदर मिनी फिक्स हैं, चाहे उसके अंदर हिंजेस हैं, चाहे उसके अंदर हार्डवेयर है, वो सारा का सारा मटेरियल सिस्टमेटिकली पैक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है विद द पैकिंग लिस्ट कि सब मटेरियल जा रहा है। तो दिस ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ मॉड्यूलर फर्नीचर।